सीएम धामी ने चंपावत दौरे के दूसरे दिन विभिन्न विभागों की 50 करोड़ 54,50,000 की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं इसके बाद उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद सभी लोगों से जनसंवाद कर हालचाल भी जाना और लोगों से कहा कि चंपावत जनपद को एक मॉडल जिला बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ये तमाम कदम उठाए गए हैं। आगे भी सरकार लगातार प्रयासरत है। तो दो दिवसीय चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री धामी इस समय पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर आज चंपावत की जनता को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री धामी के द्वारा दी गई है और मॉडल जिले के रूप में चंपावत उभरे ये सरकार की प्राथमिकता है। ये तमाम बातें भी मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। तो सभी स्टॉलों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री धामी की तरफ से किया गया, जन संवाद भी किया गया, स्थानीय सभी लोगों से बातचीत भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ चंपावत का आज दूसरा दिन मुख्यमंत्री धामी के दौरे का था जहां पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात चंपावत की जनता को मुख्यमंत्री धामी ने दी और साफ तौर पर स्थानीय जनता से बातचीत कर हालचाल भी उनका जाना, किस तरीके से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, इन तमाम बातों पर भी मुख्यमंत्री के द्वारा बातचीत हुई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश भट्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, फिलहाल किस तरीके से आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री धामी के चंपावत दौरे का, आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चंपावत की जनता को दी गई है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से? देखिए, जैसे कि चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आज दूसरा दिन है, वो कल एक दिन पूर्व रीठा सहित जोड़ मेले के उद्घाटन पे पहुंचे थे, उसके बाद आज दूसरा दिन यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत है। चंपावत विधानसभा से आज उनका विधानसभा के तौर पर विधायक के तौर पर एक साल पूरा हो रहा है। एक साल के पूरा होने पर उन्होंने चंपावत जिला मुख्यालय गोरलचौड़ मैदान पर एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने उससे पूर्व वहां पर चंपावत में 50,54,50,000 की 42 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है और साथ ही एक साल पूरा होने के बाद उन्होंने सभी क्षेत्रीय जो भी जनता यहां पर पहुंची है उनसे सीधे संवाद किया है जनसंवाद कार्यक्रम के तहत और लोगों से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के लाभ और वो लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही इस बारे में उन्होंने चर्चा की है और जनसंवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने भीड़ में बीचों बीच जाकर हर व्यक्ति के साथ जनसंवाद कार्यक्रम के तहत संवाद कर अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की है। जी बिल्कुल। और जो स्थानीय स्टॉल लगाए गए हैं स्थानीय उत्पादों को लेकर, खासतौर पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले उत्पाद हैं उनको लेकर, किस तरीके से मुख्यमंत्री धामी की तरफ से इन तमाम चीजों को भी बढ़ावा देने की बात की गई? जी, मुख्यमंत्री ने जैसे कि अन्य विभागों की ओर से गोरलचौड़ मैदान में अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री ने उन सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया है जिसमें उन्होंने पहाड़ी जो भी पहाड़ की रीति रिवाज या पहाड़ की जो दाल या पहाड़ के जो अनाज हैं और खासकर उन्होंने जो पहाड़ के वाद्य यंत्र हैं ढोल दमाऊं वगैरह उनका निरीक्षण किया और उन्होंने ढोल दमाऊं जो हमारी एक परंपरा पहाड़ों में बनी आती है पहले से उसका काफी तारीफ की और उन्होंने उस वाद्य यंत्र को और बढ़ावा देने की बात कही। जी बिल्कुल। और जनता की खुशी कहां पर पहुंची जब मुख्यमंत्री धामी उनके बीच थे, क्योंकि जनता से जनसंवाद भी करते हुए मुख्यमंत्री धामी नजर आए हैं, समस्याएं भी सुनी गई हैं और किस तरीके से विकास हुआ है, इन तमाम बातों पर बातचीत भी मुख्यमंत्री धामी ने की है। जी देखिए, मुख्यमंत्री ने जब जनसंवाद कार्यक्रम के तहत बीचों बीच जनता के बीच में जाकर लोगों से संवाद किया तो लोग काफी खुश नजर आए। लोगों को एक ऐसा लगा कि एक मुख्यमंत्री चंपावत से विधानसभा से विधायक के तौर पर जिताने के बाद उन्होंने एक रिकॉर्ड मतों से जिस विधायक को जिताया था वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है और आज वह जनता के बीच आकर सबका हालचाल जान रहा है, तो इससे बड़ी जनता के लिए खुशी की बात क्या होगी। जनता इस अपने बीच में मुख्यमंत्री को पाकर काफी खुश नजर आई। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात चंपावत को दी है। एक और बात मुख्यमंत्री धामी के द्वारा की गई है कि चंपावत को मॉडल जिले के तौर पर वो उभारना चाहते हैं और इसके लिए जो तमाम विकास परियोजनाएं हैं उनको लेकर वो लगातार प्रयासरत हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री विधानसभा चंपावत को और चंपावत जिले को एक मॉडल जिला बनाने की ओर अग्रसर लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका मानना भी है कि इस क्षेत्र में काफी अच्छे से कार्य हो रहा है और शीघ्र ही चंपावत जिला प्रदेश में मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा और लोगों में यह अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस क्षेत्र में उन्होंने
तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि चंपावत जनपद को एक मॉडल जिला बनाया जाए ताकि आने वाले समय में चंपावत जिला जो है तो प्रदेश में अग्रणी जिला रहे और मॉडल जिले के रूप में विकसित हो। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर महत्वपूर्ण परियोजनाएं आज मुख्यमंत्री धामी की तरफ से चंपावत की जनता को सौगात स्वरूप दी गई है, आने वाले समय के अंदर देखना है इनका धरातल पर रूप भी कैसा दिखाई देता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।